हाई एवरी वन होप यू आर डूइंग वेल आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम के हवाले से है जो कि टेस्ट में इससे बहुत ज़्यादा एम्स्यूज आते हैं फ्रिक्वेंटली आते हैं इटा एम्डिकेट एट्सट्रा इसके लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम इसको समझने के लिए मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता बिकॉज जल्दी हो सकता है ये इसको रिमेंबर करने के लिए इस पैटर्न में जो कि मैंने लिखा है यहाँ पर इस ऑर्डर में आप लोगों को समझना होगा और रिमेंबर करना होगा आर एम आई विजिबल यू एक्स जी अब यहाँ पर ये विजिबल जो मैंने लिखा है ये सिर्फ विजिबल पोर्शन को शो करने के लिए लिखा है बाकी इसको इसकी इसकी जरूरत यहाँ पर है नहीं तो इसलिए मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ यहां पर आप लोगों ने इधर से स्टार्ट करना होगा लिखना होगा आर एम आई विब ग्योर तो विब ऑर्डर में यह एक ऐसा ऑर्डर है जिससे इधर जाते हुए वेवलेंथ लेडा जो है यह डिक्रीज करती है फ्रीक्वेंसी क्या करती है फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज करती है और एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है तो एनर्जी भी इधर क्या करती है इंक्रीज हो जाती है अब यहां पर यह जो है इसका मतलब होता है रेडियो वेव्स ये रेडियो को शो कर रहा है रेडियो वेव्स ये जो है ये माइक्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है वेव्स ये इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड और यह आपको पता है विज्ञान में कि यह रेड ऑरेंज और येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायल दिस वन शोज द अल्ट्रा वायल एक्स रिप्रेजेंट एक्स रेस जी रिप्रेजेंट गेवा रेस तो होप क्या आपको ये तो समझ आ गया होगा अब यह मैं क्यू uh, आप लोगों आप लो को इस तरह से इस ऑर्डर में मैंने ये क्यू ये सब जो है ये डिलीवर कर दिया इसका फायदा ये है कि अब जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे तो वो सब इस ऑर्डर से बहुत जल्दी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं लाइक लेट मी शो यू सम रिलेटेड टू दिस इफ यू आर आस्ट टू टेल टिच ऑफ दिस विल ग्रेटर वेवलेंथ रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज तो ग्रेटर वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है इसका मतलब कि लेमडा जो है यानी वेवलेंथ इनमें से ज्यादा किसका होगा जो बड़ा होगा तो देखिए यहाँ अगर यह ऑर्डर आपको पता है तो आपको अपने सिंपली ग्यार भी इसके लिए लिख सकते हैं सारे ये इसकी जरूरत नहीं है यह तब आपने लिखना होगा जब क्वेश्चन में विजिबल पोर्शन से बी एग दिया गया हो यानी येल्लो या ग्रीन कलर या कोई और और इनमें से या इन में से भी कोई एग दिया हो तो तब आपने ये ऑर्डर इस तरह से लिखना होगा अब सिर्फ ग्यारह से ही काम चलाया जा सकता है तो यहाँ पर क्या है एक है रेड ब्लू ग्रीन और देखे सबसे ज़्यादा बड़ा वेवलेंथ किसका है हमने देखा है कि इधर वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रहा है तो इधर क्या है इधर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कि रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे बड़ा होगा और इसकी एनर्जी क्या होगी सबसे कम होगी और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए तो वो भी इनमें से सबसे कम होगी नाउ अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट फ्रीकुनसी इनमें से किसकी होगी तो आपने वो वाला आर्डर जो है जहन में या फिर कापी पर लिख कर सोचना है कि किसकी की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो अगर हम माइक्रोवेव्स की बात करें तो वो तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाले इस जो है इस इन इन ऑप्शन में से सबसे कम वाले फ्रिक्वेंसी वाले हैं इसके बाद अल्ट्राइलेट आते हैं तो वो भी मैंने नोट किए अल्ट्रा के बाद गामा रेज है तो गामा सबसे आखिर में है डायरेक्टली भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे आखिर में कौन है तो हमने कहा था कि फ्रीकवेंसी इधर इंक्रीज हो रहा दी तो ये दिस वन इज द राइट ऑप्शन इज अनदर क्वेश्चन दैट कलर इज मोर एनर्जेटिक तो रेड ग्रीन वायलेट ऑरेंज यहाँ पर हम देखें कि एनर्जी इधर इंक्रीज करती है तो यहाँ पर सबसे आखिर में कौन है वायलेट सो वायलेट इज द करेक्ट आंसर तो होप यू आर गेटिंग इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग